ओके तो भाई लोग, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो टाइगर 3 का ट्रेलर आ रहा है। और ट्रेलर से पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम टाइगर 3 को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो इंटरनेट पर सबने मिस कर दिए। जैसे इस पोस्टर से मेकर्स हमसे क्या कहना चाहती है, मूवी में जोया के साथ कौन सा बड़ा हादसा होने वाला है, और अपने विलन भाई साहब किधर है जिनकी एक झलक देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे पछतावे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो चलो पोस्टर से शुरू करते हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले ट्रेलर की हाइप बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ये 3 पोस्टर रिलीज किए हैं। और इस पोस्टर में अगर तुम टाइगर के कपड़े नोटिस करोगे तो सेम वही है जो टीजर में थे, जब टाइगर मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था या फिर इस गन से इन आर्मी वालों को मार रहा था। और जिस तरह इस पोस्टर में टाइगर के पीछे सब कुछ जला हुआ है और उसके हाथ में चेन है, तो शायद ही टाइगर के मैसेज के रिकॉर्ड करने के बाद का ही एक्शन सीन होगा, क्योंकि उस सीन में भी कोई गोलियां मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। खैर, इससे मजेदार पोस्टर ये है, जहाँ टाइगर की आंखें हमसे ये कह रही है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे जब मैंने इस पोस्टर को लेकर कम्युनिटी पोस्ट डाला था और लिखा था कि भाई लोग कुछ नोटिस किया गया, तो इन भाई ने लिखा, नहीं किया भाई, आप ही बता दो वीडियो बना के। तो शेख सलीम भाई, ये वीडियो आपके लिए। लेकिन एक और भाई ने लिखा था, पुलिस के कार में POLIS पुलिस लिखा है, यानी इसका मतलब टाइगर फ्रेंच में है। तो ब्लॉगर अकबर भाई, आपने पुलिस नाम सही गेस किया, पर ये कंट्री फ्रांस नहीं है, क्योंकि ये पीछे जो आप जगह देख रहे हो वो टर्की के इस्तांबुल का एक ऐतिहासिक प्लेस हैंगिया सोफिया है। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो इसका स्पेलिंग तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें POLIS यानी पुलिस इस नाम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि ये टर्की के साथ साथ और 27 देशों की पुलिस का स्पेलिंग POLIS ही लिखती है, जिसकी अपनी एक एशियन ग्रीक हिस्ट्री रही है। खैर, हम मुद्दे पर वापस आते हैं। तो टाइगर अभी इस पोस्टर में टर्की में है, जिसको हमने टीजर में भी देखा है, और मैंने टीजर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बात की है। लेकिन यहाँ पर इस पोस्टर में गौर करने वाली बात ये है कि टाइगर के पीछे बंदूक के ताने पुलिस फोर्स खड़ी है, पर इसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। अब इसके बस 2 ही रीजन हो सकते हैं, पहला तो टाइगर ये अच्छे से जानता है कि ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ठहरा इंटरनेशनल जासूस जिसने 20 साल में न जाने कितने ही खतरनाक मिशन किए हैं, और ये बेचारे मामूली पुलिस वाले। और दूसरा रीजन ये है कि ये नीचे पड़ा हुआ आदमी जिसके हाथ टाइगर ने पीछे बांधे है और वो टाइगर के गन पॉइंट पर है, ये जरूर कोई बड़ा आदमी है। टाइगर जानता है जब तक ये उसके पास है उसका पुलिस क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट्स व्हाई वो बिना डर के शिकार वाली नहीं बल्कि शिकारी वाली फीलिंग दे रहा है। लेकिन देख रहे हो टाइगर कितनी बड़ी मुसीबत में है। टीजर में हमने आर्मी को इसके पीछे देखा था, पोस्टर में पुलिस भी इसके पीछे है, और इंडिया का बच्चा बच्चा अब इसे जानता है और गद्दार भी मानता है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि टाइगर को दुनिया भर में वांटेड करार कर दिया है, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए ये वहाँ पर सेफ नहीं रह सकता। अब इस पोस्टर में कैटरीना बिल्कुल एक्शन के मूड में है, और इस पोस्टर में भी दोनों 7 मिशन पर है, जो कि आमतौर पर होते नहीं, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के जो है ये तभी 7 मिशन करते हैं जब बात पर्सनल हो, जैसे कि हमने टाइगर जिंदा है में देखा था। और इंटरनेट पर ऐसी थ्योरी आग फैला रही है कि इमरान हाशमी जो है वो जोया के पास्ट से जुड़ा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि टाइगर 3 में ही टाइगर वर्सेस पठान का प्लॉट सेट किया जाएगा। तो इन दोनों थ्योरीज को देखते हुए हमारी इस वीडियो वाली थ्योरी सच होती हुई दिख रही है, जिसमें हमने जोया के मरने और टाइगर वर्सेस पठान की दुश्मनी का रीजन एक्सप्लेन किया था। खैर, जो भी हो, इतना तो तय है कि जोया को लेकर टाइगर 3 में कुछ बवाल होने वाला है, क्योंकि बेटा जब तक ब्यूटी को नहीं छेड़ोगे तब तक बेस्ट कैसे भिड़ेगा। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। और जैसे थेरीज मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से जोया के लिए स्पेशली इमरान हाशमी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है कि विलन को मेकर्स ने मिस्टर इंडिया बना के रखा है, जो ना पोस्टर में दिखा है और ना ही टीजर में। हालांकि मार्किंग स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी। अब इमरान भैया हमें सीधा ट्रेलर में ही दिखेंगे, और टेंशन मत लो, 100% दिखेंगे ही, क्योंकि भाई ट्रेलर में दिखाने के लिए ही तो अब तक छुपा के रखा है ना। वैसे जोया को लेकर और विलन को लेकर अपने को ट्रेलर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और तुम किसी भी बड़े कैमियो को लेकर ट्रेलर से कोई भी उम्मीद मत रखना, वो मजा हमें सिर्फ फिल्म में ही मिलेगा। बाकी मैं तो ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी ट्रेलर को लेकर क्या उम्मीदें हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर तुम्हें मेरे हिसाब से रामायण की परफेक्ट स्टार कास्ट क्या हो सकती है ये जानना है तो वीडियो तुम्हारे लेफ्ट में है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्म देखो।